हाय गाइस, मैं हूं अश्वनी मौर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पंप सेट में या किसी भी पानी सेटअप में मोटर में फॉल्स निपल क्यों लगाया जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि फॉल्स निपल किसको कहा जाता है और इसका क्या काम है, किस वजह से लगाया जाता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या इसका वजह होता है लगाने का। तो उतना मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा पंप सेट है जो कि डीजल से चलता है और इसमें यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ फॉल्स निपल लगाया गया है। इस छोटे से गैजेट को फॉल्स निपल ही बोला जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये वाला भाग है, ये इसको फॉल्स निपल बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, फॉल्स निपल का क्या काम होता है कि वो मोटे साइज को पतला करता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये बैंड है ये 2.5 इंच मोटा है और ये हमारा फॉल्स निपल 2 इंच मोटा है। तो इसमें 2.5 इंच का पानी आता है और उसको उसके ऊपर दबाव बना के उसे 2 इंच का बनाया जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि फॉल्स निपल पाइप लगाने के भी लिए लगाया जाता है, जैसे कि इसमें हम सेक्शन वाला पाइप फिटिंग करते हैं तो उसके लिए लगाया जाता है। तो कुछ लोग उसके इस्तेमाल के लिए भी लगाते हैं और कुछ लोग इस पर जो है कि लपेटा पाइप जो होता है, लपेटा पाइप को बांधने के लिए भी लगाते हैं। यहाँ जब लपेटा पाइप बांधेंगे तो यहाँ से हमारा लपेटा पाइप सड़क ना जाए, तो इसके लिए भी लगाते हैं। लेकिन इसका मेन कारण है कि फॉल्स निपल इसलिए लगाया जाता है कि ये पंप पे थोड़ा दबाव बना के चलाए और पंप में हमेशा पानी निरंतर बना रहे, एयर ना ले। और इसके वजह से क्या होता है कि जब हमारा फॉल्स एकदम बिल्कुल फ्लो जो है वो फ्री रहता है तो यहाँ से जितना भी हमारा पंप सेट पानी उठाता है वो टोटल का टोटल बाहर फेंक देता है। तो इसके ऊपर जब दबाव बनाया जाता है तो यहाँ एक होल दिया होता है, इस होल की वजह से यहाँ पाइप की सहायता से ये हमारा इंजन सेटअप ठंडा होता रहता है, इसमें पानी आता रहता है। यहाँ से पानी इन होता है, अंदर जाता है इंजन में और यहाँ से आउट होता है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है। तो इससे हमारा इंजन सेटअप ठंडा रहता है। अगर हम फॉल्स निपल निकाल देते हैं, इसको खोल देते हैं, तो ये जो सारा पानी होगा वो सारा का सारा पानी इधर आएगा और क्या होगा कि इसमें बहुत ही कम पानी जाएगा, जिससे कि हमारा इंजन हो सकता है ठंडा ना हो पाए, वो हीट ही रहे। तो इंजन को ठंडा करने के लिए मेन मकसद पंप सेट में बनता है, इंजन को ठंडा करने के लिए फॉल्स निपल लगाया जाता है। और जो है कि फॉल्स निपल आप उस समय नहीं लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको पाइप ले जाना है 200-300 फीट या 2 बीघा 1 बीघा 2-4 बीघा अगर आपको इसमें पाइप लगा के दूर ले जाना है तो वहाँ क्या करना होगा कि अगर आपके पास फॉल्स निपल नहीं है आप इस पर डायरेक्ट पाइप लगा सकते हैं। जब पाइप के ऊपर दबाव बनेगा तो यहाँ जो है कि पानी हमें अच्छे तरीके से फॉल्स निपल का ही वो पाइप हमारा काम करेगा और यहाँ से जो है कि फ्लो अच्छे तरीके से आ सकता है। फॉल्स निपल लोग इसलिए भी लगाते हैं कि जहाँ हमारा पंप सेटअप है वहाँ से चलाने पर हमारा पंप सेटअप वहाँ से कम 2-3 मीटर दूरी तक पानी का जो है कि बहाव दे, यानी 2-3 मीटर दूरी पर पानी फेंके, ऐसा जो है कि इसलिए फॉल्स निपल लगाया जाता है। फॉल्स निपल लगाने से पंप पे दबाव बना रहता है और पंप में ये जो पानी आउट सिस्टम है जिससे पानी बाहर निकलता है और इंजन के लिए इन होता है, इंजन में जाता है इंजन को ठंडा रखने के लिए, सबसे ज़्यादा जरूरी फॉल्स निपल का उसी लिए होता है कि फॉल्स निपल लगने से यहाँ जो हमारा इंजन का ये कूल का सिस्टम है इसमें ज़्यादा पानी आने लगता है और इंजन हमारा बराबर का बराबर हर समय एकदम ठंडा रहता है और हीट होने की कोई समस्या नहीं आती है। अगर आपको पाइप लगाना है, दूर ले जाना है, तो आप बिना फॉल्स निपल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग मोटर में नहीं किया जाता है, मोटर में क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं होता है। हालांकि अगर आपको पानी में प्रेशर लाना है तो आप फॉल्स निपल लगा सकते हैं। कुछ लोग इसको पाइप चढ़ाने के लिए भी लगाते हैं कि हमारा पाइप इस पर चढ़ जाए या हमारा ओवर पाइप है तो इस पर चढ़ा के हम इस पर रबड़ से बांध लें ताकि हमारा पाइप यहाँ स्लिप ना करे, इस तरीके से भी लोग लगाते हैं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल अश्विनी मौर्या ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।